हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूमल विक्रांत। वंस अगेन बहुत दिन हो गया मुझे कोई ब्लॉग अपलोड किए हुए, बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग अपलोड करने जा रहा हूँ आज। तो सामने मैंने प्लान किया है उत्तराखंड ट्रिप के लिए, जहाँ पे मैं पूजा में निकलूँगा। पूजा में 15 दिन ऑफिस छुट्टी रहेगा, तो उसी दौरान मैं निकल जाऊँगा उत्तराखंड ट्रिप के लिए। वहाँ पर लगभग 22-23 दिन का ट्रिप है मेरा ओवरऑल, जिसमें मैंने केदारनाथ बद्रीनाथ सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है। और इसी कारण से मैं आज यहाँ पे अभी आया हूँ दी चेन गैंग में शशिदा के पास, फिर से एक बार मेरे बाइक में स्क्रैच गार्ड को इंस्टॉल करने, क्योंकि मेरे बाइक में स्क्रैच गार्ड पहले नहीं था। स्क्रैच गार्ड और जेडी कैन का इंस्टॉलेशन आज होगा, ढांचा बन जाएगा, जिसके बाद मुझे पेंट करके देंगे। उसके लिए फिर एक दिन आना पड़ेगा, जैसा होता है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वीडियो को। आइए बात करते हैं शशिदा से। तो शशिदा से मिले हुए अभी बहुत दिन हो गया, बहुत दिन बाद मिल रहे हम लोग। बीच में शायद एक दिन को हम लोग के घर गए थे। तो बाकी बताइए कि यहाँ का जगह तो बहुत ही बड़ा एरिया, लेके ये वर्कशॉप अभी नई तरह से खुला हुआ है, और कैसे आएगा अगर अभी कोई आना चाहे तो? देखिए, हम लोग का जो ये वर्कशॉप है वो पुराना वर्कशॉप से ज़्यादा दूर नहीं है, अप्रॉक्स 1/2 किलोमीटर के आसपास है। पहले आनंदोपालित में था, अभी टेंगरा में है। टेंगरा में आप बंगाल पॉटरी रेल ब्रिज के एकदम बगल में है। और आप अगर गूगल मैप में सर्च करेंगे तो आपको वहाँ भी अवेलेबल मिल जाएगा मेरा लिंक द चेन गैंग, वो यहाँ के एड्रेस पे है। आप इजीली खोज के आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स हम लोग देते रहेंगे कि कितना क्या खर्चा होगा क्या बनाने में, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। तो ये चलते हैं सचिन के पास। तो फिलहाल सचिन इंस्टॉल करने जा रहा है क्रैश गार्ड मेरे बाइक पे। तो फिलहाल सचिन ने ढांचा बना के रेडी कर दिया है मेरा क्रैश गार्ड का। अभी वो अपना दिमाग लगा रहा है कि कैसे इंस्टॉल करेगा जेडी कैन को। ढांचा पूरा बन के तैयार है, अभी यहाँ पे जेडी कैन इंस्टॉल होगा। चल रहा है वेल्डिंग का काम। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। सामने मेरा उत्तराखंड का ट्रिप है, पूजा में मैं निकल रहा हूँ उत्तराखंड के लिए। 21-22 दिन का ट्रिप मैंने अभी सोच के रखा हुआ है, केदारनाथ बद्रीनाथ सब कुछ। तो सचिन अभी डाल रहा है यहाँ पे जेडी कैन। तो शशि और बताइए कैसा चल रहा है? बस काम तो मस्त चल रहा है, बाकी में बहुत अच्छा लग रहा है। आपका वर्कशॉप पहले से 20 गुना बड़ा हो चुका है, इतना सब सचिन था पहले वो थे, और भी सारे स्टाफ बढ़ चुके हैं आपके, बहुत अच्छा लग रहा है। टीम बढ़ रहा है, टीम बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। चेन गैंग ग्रो कर रहा है, तो ऐसे ही प्यार देते रहेगा हम लोगों को। और आपका काम जो है वो तो सच में काबिल तारीफ है, इसका कोई गुंजाइश नहीं है उसमें कुछ भी।
गाड़ी का काम फिलहाल आज के लिए लगभग हो चुका है। तो ये अभी मेरा जो फॉग लाइट इंस्टॉल होगा उसके लिए सचिन दो प्लम बनवा के दे रहा है। ये बस अभी और थोड़ा सा ही काम बाकी रहा, इसके बाद प्राइमर होगा, पूरा क्रैश गार्ड, फिर पेंट होगा। तो जैसा कि मेरा गाड़ी काला है तो मैंने बोला है कि मैट ब्लैक कर देने के लिए, जैसा मेरा टॉप रैक और सडन स्टे का कलर है मैट ब्लैक, तो मैट ब्लैक ही मैंने करने के लिए बोल दिया है। और स्लाइडर को चेरी कैन की तरह वो चेरी रेड जो है वो कर देगा। तो ये मेरे स्लाइडर पे जो यहाँ पे मेरा अभी बना है ये चेरी कैन रखने के लिए, यहाँ पे सचिन दे रहा है ये सपोर्ट, यहाँ पे ये एक यहाँ पे क्लम लगेगा। और इससे क्या होगा, ये चेरी कैन का जो वेट रहेगा, जो उसका जो वज़न इसके सपोर्ट में आ जाएगा, इसको सपोर्ट देगा। तो वो क्या होगा, अगर इसमें कोई भी हैवी जैसे कि 5 लीटर का अगर मैंने जेरी कैन रहा, गाड़ी जार्क करेगा, गड्ढे पे गिरेगा, तो ये सपोर्ट देगा ताकि ये नीचे ना आ जाए, इसको थोड़ा और मजबूत बनाएगा। यहाँ पे मेरा फॉग लाइट आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए जो मेरा क्रैश गार्ड का इंस्टॉलेशन था उसका यहीं पे समाप्ति घटता है। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल वंस अगेन। तो आज फाइनली होने जा रहा है मेरे गाड़ी में क्रैश गार्ड और जेरी कैन का इंस्टॉलेशन। साथ ही साथ मैंने एक नकल गार्ड खरीद कर लाया अभी वेलिंगटन से, वो भी शशि भाई को देख रहे, उसको भी इंस्टॉल करना होगा अभी गाड़ी में। और जैसे कि मैं कल भी आया था यहाँ पे तो किसी कारण से वो नट लाना भूल गए थे, सो कल इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया, तो मुझे खाली हाथ कल लौटना पड़ा था, मेरी बदकिस्मती थी। तो आज फाइनली इंस्टॉल होगा मेरे गाड़ी पे क्रैश गार्ड और जेरी कैन का। तो अभी वो लोग इंस्टॉल कर रहे हैं मेरे गाड़ी पे, तो चलिए देखते हैं कैसे इंस्टॉल होता है मेरे गाड़ी पे क्रैश गार्ड और जेरी कैन का। और बाकी सब डिटेल्स जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, और कोई भी अगर क्वेरी रहा तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे लगाता है मेरे गाड़ी पे क्रैश गार्ड और जेरी कैन। हाथ में जो देख रहे ये है स्लाइडर, इसको मैंने बोला था चेरी डेट पेंट करने के लिए, तो उस हिसाब से ही चेरी डेट पेंट किया हुआ है। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहा है, आप लोगों को भी अगर पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। किसी तरह से भी आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिले, कोई अगर वीडियो ये फ़ायदेमंद रहा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और बाकी शशि दा का सारा डिटेल्स दे चेन गैंग का, अभी जो शिफ्ट होकर ये नया जगह पर आया है, फ़ोन नंबर लोकेशन सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा पूरा डिटेल्स कि कैसे आना है। और अगर आपको कांटेक्ट करना भी रहेगा शशिदा को तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। ये अभी यहाँ पे लग रहा है जेरी कैन इंस्टॉल करने के लिए, इसको यहाँ पे लगाना होगा, उसके ऊपर से जेरी कैन यहाँ पे लगेगा और लॉक रहेगा। तो जब भी आप लॉक को थोड़ा घुमाएंगे, अनलॉक करेंगे, तो जेरी कैन आसानी से निकल आएगा। सभी आहिस्ता आहिस्ते मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाने का, तो वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जेरी कैन हुआ इंस्टॉल और यही था वो लॉक। इस लॉक को जब अनलॉक करेंगे तो जेरी कैन आसानी से बाहर निकल आएगा, और फिर इसको बस जेरी कैन को लगा के लॉक कर देना है। ये हो गया जेरी कैन लॉक। ये है गाड़ी का लुक आफ्टर इंस्टॉलिंग बोथ दी जेरी कैन्स। सो फाइनली मेरे गाड़ी पे लग चुका है क्रैश गार्ड और जेरी कैन एज यू कैन सी, बट जो प्रॉब्लम हो गया, जो मैं अभी लाया हूँ जो नकल गार्ड, वो यहाँ पे लग नहीं पाया।
क्योंकि मेरे गाड़ी पे बार एंड नहीं है, तो इसीलिए शशि भाई लगा नहीं पाए, तो मुझे वो फीड लगाना पड़ेगा, देखना होगा कैसे वो लग सकता है, तो वैसे उसको लगाना होगा। तो शशिदा फिर बताइए, अभी कोई आएगा तो कैसे आएगा, और नंबर तो मैं इनका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, और जो अभी लगा क्रैश गार्ड आप लोगों को मैंने दिखाया कि कैसे सपोर्ट दिया हुआ है, ताकि कभी वो यहाँ पे ज़्यादा वेट हुआ, अगर पेट्रोल की वजह से जड़क हुआ तो वो नीचे नहीं आएगा, वो उसके लिए भी एक सपोर्ट दिया हुआ है, बहुत मजबूती से बनाया गया है, बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, प्यार से भी, और एकदम ताकतवर जानदार है जो क्रैश गार्ड है। पूरा कोशिश किया आपको बेस्ट देने का, बाकी रिव्यू तो आप दीजिएगा चलाने के। नहीं नहीं, अभी तो जाएंगे उत्तराखंड में, 10 तारीख को निकलने का प्लान है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड जाने के बाद पता चलेगा क्या होता है इसके साथ, और जितना मेरे शशिदा पे भरोसा है कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि इससे पहले भी इनसे मैंने काम करवाया हुआ है। और बाकी इसका मुझे कितना देना पड़ेगा आपको? इसका ये आपका टाइप बी क्रैश गार्ड है विथ जेरिकन होल्डर, जिसका प्राइस है 6,600 रुपीज़। तो और कोई आएगा थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा? अगर आपका कोई भी सब्सक्राइबर आता है मेरे को दिखाता है कि वो आपका चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो वो उसको मैं 10% ऑफ कर दूंगा, और ये ऑफर 31 दिसंबर तक वैलिड है। तो इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द, और कोई भी काम रहे तो दी चेन गैंग में ज़रूर हाजिर होइए, और कुछ भी क्वेरी रहा तो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे उत्तराखंड ट्रिप पे जो मेरा स्टार्ट होगा 10 अक्टूबर, उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे अपडेटेड वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं उत्तराखंड में। तो के बिना मेरा ये सब कुछ इम्पॉसिबल था, मिलवाते हैं उनसे एक बार फिर, शशिदा दी सोल ओनर ऑफ चेन गैंग। कोई भी काम का ज़रूरत पड़े बाइक रिलेटेड, जैसा कि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, मैं इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, नंबर मैं इनका डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, और साथ ही साथ इस जगह का लोकेशन, जो ये एक नया जगह है, अभी आनंदपालित में ये नहीं रहा। और मेरा चीफ इंजीनियर सचिन, गुस्से में है क्या सब बोल रहा है, डांट फट रहा है, तो ये सचिन, पहले भी मैंने आपको बोला हुआ है, इसका काम, इसका हाथ में जादू है, ये बाइक का लियोनेल मेसी है। चलिए तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, मिलेगा इन लोगों से, कोई भी काम रहे तो ज़रूर आइएगा, और जैसे कि शशिदा ने बोला, मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनको दिखाइएगा, तो 10% डिस्काउंट आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा।